हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो आज हम ओरेकल रीडिंग की हेल्प से लियो मतलब सिंह राशि के लिए मई 2022 का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस लेने जा रहे हैं और देखेंगे कि उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा, उनको ये मंथ में क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता दूं कि ये जेनरिक रीडिंग है, तो किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ ना करे। जिस किसी के भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैंने आपके आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले ही सारे कार्ड्स को शफल करके आपके लिए 3 कार्ड्स पिक करके रखे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। तो अभी गाइडेंस के लिए फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओ माय गॉड, पहले कार्ड को अच्छे से देख लीजिए, बहुत सुंदर कार्ड है। ठीक है, अभी मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख देती हूँ और आपको गाइडेंस बताती हूँ। आई एम फीलिंग सो गुड। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि आप मतलब ऐसे व्यक्ति हो ना जिस मतलब लाइक बहुत सारे लोग लियो में अभी फिलहाल ऐसे कंडीशन में है कि मतलब आधी एनर्जी है उनमें, इतना काम कर चुके हैं, इतनी चीजें करते हैं कि दे आर लाइक मतलब उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उनको बोल रहा है कि भाई यू आर रनिंग विद हाफ एनर्जी। आप फिलहाल जो काम कर रहे हो उसके लिए आप फुल्ली रेडी नहीं हो। आपके जीवन में जो भी क्या बोलते हैं ना, आप जो स्टेज पे हो अभी, आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है, या आपका मन थका हुआ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं है, आपको थोड़ा सा रुक के रिट्रीट करने की ज़रूरत है खुद को। कई बार ऐसे होता है कि आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, इसलिए तो लोग हीलिंग एनर्जी के साथ रिवर्क इनर वर्क करते हैं, एनर्जी वर्क करते हैं, या फिर मतलब अगर ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बात, उसके सिवा भी नॉर्मल जीवन में कई लोग स्पा जाके खुद को मतलब रिलैक्स करते हैं। मैं नहीं कह रही कि आपको महंगे महंगे स्पा जाओ, पैसे खर्चा करो, बस खुद के ऊपर ध्यान दो, देखो आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी सच में उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है क्या, आप जो अभी सिचुएशन में हो क्या आपके अंदर कभी आपको एम्प्टीनेस दिखाई देती है, महसूस होती है, आप कैसे दुनिया को प्यार दे पाओगे अगर आप खुद ही प्यार से भरे ना हो, आप कैसे एनर्जी के साथ काम कर पाओगे अगर आपके पास एनर्जी ही ना हो। समझ गए ना आप लोग मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो मतलब थोड़ा सा रेस्ट करो, खुद को आराम दो, ना ही क्या बोलते हैं आराम मतलब ओनली बॉडी का आराम नहीं, मेंटली भी सोचो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, सोचो, देखो ये इनर वर्क क्या है उसे महसूस करो, आपकी इनर कॉलिंग फेमिनिन, आपको पता है फेमिनिन एनर्जी कितनी पावरफुल होती है, फेमिनिन एनर्जी को जागृत करो खुद में। फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि मतलब वो उसको रिप्रोडक्शन की उसमें ताकत होती है, चीज़ों को सुधारने की ताकत होती है, और मेल फीमेल दोनों में मतलब मस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी हर एक पर्सन में होती है, किसी कम ज़्यादा उसमें क्वांटिटी होती है, प्रमाण होता है, हम उसके ऊपर वर्क करें वो एनहांस हो जाती है, पता है ना यूनिवर्स की किसी भी एनर्जी के ऊपर आप फोकस करोगे वो एक्सपांड हो जाती है। वैसे ही खुद के अंदर की फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू कर दो, जैसे ही फेमिनिन एनर्जी एक्सपांड हो जाती है ना, आप अपने आप रिलैक्स महसूस करोगे, खुद को रिट्रीट महसूस करोगे, रेस्ट महसूस करोगे, ताकि आपके जीवन में जो आने वाले पड़ाव है उसके लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट गाइडेंस क्या आता है। पहले कार्ड को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड को प्लेस कर देती हूँ। परफेक्ट, सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिंसेस, मिस्टिक एंड टीचर। ठीक है, तो आपके जीवन में आप मतलब कहीं पे भी जाते हो ना, आप मतलब बड़े ही डिवोशन के साथ, बड़े ही पैशन के साथ कोई चीज़ करते हो, आप चाहते हो हर चीज़ में सादगी हो, सुंदरता हो, और उसके लिए बड़े प्रयास भी करते हो, आपके अंदर एक रहस्यमयी चीज़ें छुपी है कि जिससे आप मतलब हर चीज़ को बड़ी आसानी से अच्छी तरह से ढाल लेते हो, किसी को भी बहुत अच्छे तरह से गाइड करते हो लाइक एन टीचर, और किसी से भी कुछ सीखना हो तो बड़ी अच्छी तरीके से सीख लेते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो करते समय बहुत बार ऐसे हो जाती है
कि मतलब आप थक जाते हो, या फिर कई बार ऐसे होता है जिंदगी में, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको रुक के थोड़ी देर आराम करना रहता है, खुद के ऊपर काम करना रहता है ताकि आप रिचार्ज हो पाओ, फिर से जंप ऑन करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, उसी डिवोशन के साथ, उसी प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें आपका मदर नेचर बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, हेल्प करेगी। अगर आपको रिट्रीट होना है, कहीं बाहर जा सकते हो, कहीं पानी वाली जगह पे, जहाँ पे आपको, यहाँ पे देख रहे हो वाटर एलिमेंट कितना दिख रहा है आपको, मतलब कितनी ज़रूरत है पानी पीना। हाँ, पानी पीना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, पानी पीना शुरू कर दो। क्या होता है ना, जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे, वी आर फुल्ली बेस्ड ऑन वाटर, मतलब 70% अपने शरीर में जो पार्ट है वाटर से बना हुआ है। तो मतलब आप जितना वाटर कंज्यूम करते हो ना, उतने खुद के शरीर को काम हो रख पाते हो, डिहाइड्रेट नहीं होते हो, हमेशा हाइड्रेट रहते हो। हाइड्रेट रहोगे तो काम रहोगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है डिवोशन के साथ, बट अभी समय आ गया है कि खुद को रिट्रीट करो, फेमिनिन एनर्जी को जगाओ, ताकि मतलब आगे आप और जोर से बढ़ पाओ। कहीं पे वैकेशन के लिए चले जाओ जहाँ पे मतलब वाटर है, मदर नेचर है, जिससे आपको और मतलब रिट्रीट खुद के सेल्फ को कर पाओ, आपकी एनर्जी एनहांस हो जाए और उससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, अभी अगला गाइडेंस आपके लिए क्या आता है देखते हैं। कार्ड को प्लीज दोस्तों बड़े अच्छे से देखिएगा, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, एब्जॉर्ब कर लीजिए कार्ड की एनर्जी। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। मतलब इसका गाइडेंस देते हुए आई कांट मतलब एक्सप्रेस कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है कि मतलब आप में वो शक्ति है, आप मतलब एक जंप तो लो आगे, कि आपको जैसे कोई काम करना है, आप करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, भूल जाते हो कि आप यूनिवर्स के चाइल्ड हो। देर इज अ लॉट ऑफ एबंडेंस, इस दुनिया में हर चीज में एबंडेंस है। रिलैक्स करना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप और आगे बढ़ पाओ। एक लीप ऑफ फेथ तो देखे देखो, मतलब एक बोलते हैं ना, एक आगे जंप तो लेके देखो कि हाँ भाई, मैं अभी रिलैक्स करने जा रहा हूँ, चीजें अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली, चीजें अपने आप सही जगह पे सही टाइम पे हो जाएगी। मुझे काम करना है बस, चीजें कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो। यही है, आप यू गो फर्स्ट, काम करो, छोड़ दो, रिलैक्स करो, यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स विल फॉलो यू। आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, आप मतलब ऐसे नहीं कि आपने अभी एग्जाम दी और अभी मतलब, जैसे आप बहुत सारे लोग ये सिचुएशन में हो गए, अभी एग्जाम दे और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कब आएगा कब आएगा, दिन में 24 घंटा बस यही बोलते रहते हो। क्यों, दे दी ना एग्जाम, अभी जाओ, खुद को रिलैक्स करो ताकि आप आने वाली लड़ाई के लिए खुद को रेडी कर पाओ। यूनिवर्स बाकी की चीजें अपने आप देख लेंगे, टेंशन की कोई भी बात है नहीं, आप डिवाइन यूनिवर्स के डिवाइन चाइल्ड हो। एंजल्स आपको, आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। एक लीप ऑफ फेथ लेके तो देखिए इस मंथ क्या फर्क पड़ता है आपको, खुद आके आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मुझे सुनने में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये ओवरऑल गाइडेंस था सिंह राशि के लिए, लियो के लिए ये महीने का। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आप में से काफ़ी लोग इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ लवली डे एंड नाइट।